हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टनर पिक्चर्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने फर्स्ट एआई रिडक्शन के बारे में, पहले एआई के बारे में कि अगर आपको एआई को ट्राई करना है कि आखिर जो एआई है वो कैसे वर्क करता है, लेकिन आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है, ठीक है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको पहले कहाँ पर, अपने गूगल क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको एक वेबसाइट टाइप करनी पड़ेगी, एआई कनेक्ट, ठीक है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपके पास पहले एक aiconnect.cc करके वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक। उसको ओपन करने के बाद क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल से लॉगिन कर लेना है। ये चीज़ आपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, अगर मोबाइल है आपके पास तो क्या करना है, आपको मोबाइल पे जाना और वहाँ से कोने में जो 3 डॉट्स होते हैं यहाँ पर क्लिक करना और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप मोड का, ठीक है, उसको ओपन कर लेना और वहाँ से आप अपने चीज़ों को लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया है, ये एक हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग देखेंगे, करना क्या है, हमें पहले क्लिक करना है किसमें, क्रिएट प्रोजेक्ट में, अपने कोई प्रोजेक्ट का नाम दे देना। हम डाल दिया मान लो फर्स्ट एआई, कि हमारा पहला एआई का प्रोजेक्ट है, तो इसका हमने नाम डाल दिया फर्स्ट एआई, ठीक, क्रिएट कर लिया। जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा फिर करना क्या, आपको एक्टिविटी क्रिएट करनी है, इसमें क्लिक करना, क्रिएट एक्टिविटी में इसका नाम डाल देना। तो हम लोग अभी बना रहे हैं एक ऐसा एआई जो हमारे स्माइल को क्रिएट कर लेगा, कि हमारी स्माइल जो है, अगर जो भी फोटो है वो स्माइल कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर स्माइल कर रही होगी तो बता देगा स्माइल हो रही है, अगर नहीं हो रही होगी तो कह देगा स्माइल नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने क्लिक कर दिया स्माइल डिटेक्शन पे। उसके बाद देखो, ठीक, यहाँ पे हमें बेसिक कोडिंग पे सिलेक्ट कर लेना, किस पे, एआई कोडिंग को, ठीक, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, क्रिएट कर लिया। अब देखो ये पूरा क्रिएट हो जाएगा तो आपका एक पूरा वर्क स्पेस यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक। जब आपका वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एआई लर्निंग में, फेशियल फीचर्स में, और पहला आपको लोड इमेज पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे ही आप लोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको लोड इमेज आपके वर्क स्पेस में आपकी आ जाएगी, और यहाँ पे जो उसकी कोडिंग है पूरी वो आपकी अपने आप होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, लॉजिक में, इफ डू वाले को लेना है, इसके नीचे ऐड कर देना है, जैसे हम करते हैं इसमें स्क्रैच में, क्लियर। फिर आपको ये जो कोने में छोटा सा 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है, ठीक, और यहाँ से इल्स को लेना है और इफ़ में ऐड कर देना है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आपका इफ, डू और इल्स, ये तीनों क्या होंगे, आपके यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक। इतना करने से आपको फिर जाना है किसमें, फेशियल फीचर्स में, यहाँ से आपको लेना है गेट फेस वाला, इसको लेके क्या करना है, पहले वाले पे एक लिखिएगा, ठीक है। इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है लॉजिक में, और ये जो दो वाला बॉक्स है डबल इक्वल का, इसको आपको इस वाले बॉक्स के अंदर, पहले बॉक्स के अंदर ऐड कर देना है, क्लियर। फिर इस वाले बॉक्स को उठाना है, जो कि कहाँ से लिया था हमने, एआई के फेशियल फीचर से लिया था, इसको हम पिकअप करेंगे और पहले वाला जो ये स्पेस बॉक्स दिख रहा है आपको ये, ठीक, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। और देखो यहाँ पे अभी फेस है, अगर आपको चेहरा पहचानना हो तो आप यहाँ से फेस कर सकते हैं, ठीक, फेस रहने दीजिए। आई बतानी हो कि भाई फोटो में आई है कि नहीं है तो आप आई कर सकते हैं, नो चेक करना हो नो चेक कर सकते हैं, हमें स्माइल करनी है तो हम स्माइल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। फिर यहाँ आपको इनपुट में, यहाँ आपको लेनी है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और आपको यहाँ पे इनपुट कर देनी है, यहाँ यहाँ पे 0 ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद देखो जाना है कि इसमें डू के लिए हमें करना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, आउटपुट पे जाएंगे, क्या करेंगे, प्रिंट कमांड को लेंगे और यह डू में ऐड कर देंगे। फिर आउटपुट पे जाएंगे, प्रिंट कमांड को लेंगे, कहाँ ऐड कर देंगे, एल्स वाले में हम लोग प्रिंट कमांड को ऐड कर देंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, एडवांस में, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से है इसको लेके प्रिंट वाले के अंदर ऐड कर देंगे, क्लियर, ठीक। अब हमें करना क्या है, प्रिंट वाले में डाल दिया हमने कि पहले अगर जो वीडियो फोटो हमारी है वो अगर स्माइल कर रही है तो दिखा देगा स्माइलिंग स्माइलिंग, ठीक, हंस रहा है, ब्रैकेट में लिख लो भैया, ये भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, हंस रहे हो, ठीक है। और इसी को यहाँ पे लिखते हैं नॉट स्माइलिंग, अगर फोटो नहीं हंस रही होगी तो क्या दिखा देगा, नॉट स्माइलिंग, ठीक, और ब्रैकेट लिख देते हैं रो रहे हो, ठीक, इनको हिंदी में कर लेते हैं ये लो, ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखो करना क्या है, हमें जाना है फिर से कहाँ पे, फेशियल फीचर्स में और शो इमेज में जाना है, यहाँ पे विदाउट बॉर्डर सेट कर लेना है, ठीक। ये देखो पूरी कोडिंग हमारी यहाँ पे इसकी हो गई है, ठीक, एक बार इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि जो है कोडिंग ये काम हमारी कर रही है कि नहीं कर रही है। हम जाएंगे लोड इमेज पे, ठीक, कहाँ क्लिक करना है, ये जो आपकी लोड इमेज के बाद फोटो बनी हुई है क्लिक करना है, आप फोटो को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक। हम जाएंगे इसमें ब्राउज में और हम पहले लेंगे अपनी फ़ोटो, एक रोने वाली, ठीक, फ़ोटो ले ली हमने, ये रोने वाली, इसको सबमिट कर देंगे और कराएंगे इसको रन, ठीक।
ठीक, क्या दिखा देगा? नॉट स्माइलिंग मतलब रो रहे हो, इस फोटो में मैं क्या हो रहा हूँ? रो रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, ठीक। फिर क्या करेंगे? दोबारा चेक करते हैं, स्माइल वाली फ़ोटो लेते हैं जिसमें मेरे दांत दिख रहे हैं मेरे, इसको लेते हैं, ठीक। सबमिट कर देंगे यहाँ से, इसको प्रोग्राम को रन करा देंगे, तो दिखा देगा क्या? स्माइलिंग, ये क्या हो रहा है? मतलब हंस रहे हो। जो मशीन है वो डिटेक्ट कर ले रही है कि आपकी जो भी ये आपका फेस है वो आपका हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसी तरह आप लोग इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके थ्रू, अपने एआई के थ्रू, एआई के प्रोजेक्ट कई सारे हम इस वेबसाइट के थ्रू इजी तरीके से बिना कोडिंग के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए आज तो गुड मॉर्निंग हो रही है, 6:10 AM, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।